हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद अपने नाम के आगे पंडित जोड़कर ब्राह्मण कार्ड खेला है। उन्होंने चुनाव प्रचार में अजीबो गरीब फंडा अपना रहे हैं। पंडित नवीन जय हिंद अपनी पीठ पर म्यान में तलवार की तरह फरसा बांधकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग के बकायदा निशाने पर भी आ गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 48 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ऐसे में नवीन जय हिंद आप उम्मीदवारों के प्रचार में जहां भी जा रहे हैं वहां वो अपनी पीठ पर फरसा बांधे हुए नजर आते हैं। नवीन जय हिंद के चुनाव प्रचार के तरीकों को हरियाणा ब्राह्मण समुदाय के वोटों को एकजुट करने के मद्देनजर देखा जा रहा है। बता दें कि हरियाणा में करीब 12% वोट ब्राह्मण समुदाय के हैं। ये प्रदेश के करीब एक दर्जन विधानसभा सीट पर अच्छा खासा असर रखते हैं। हालांकि हरियाणा की सियासत में ब्राह्मण कभी भी जाट और पंजाबी समुदाय से आगे नहीं निकल पाए हैं। यही वजह है कि नवीन जय हिंद ने खुद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश करने के लिए अपने नाम के आगे पंडित लगाया और फरसा लेकर भगवान परशुराम के वंशज होने का भी कार्ड खेल रहे हैं। हरियाणा आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है, लेकिन पार्टी प्रदेश में अभी तक का खाता भी नहीं खोल पाई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दिल्ली के काम के नाम पर वोट मांग रही है। नवीन जय हिंद कहते हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली और 20,000 लीटर पानी जनता को मुफ्त में मिल रहा है। विश्व के सबसे बेहतरीन स्कूल दिल्ली में है। मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट पर विदेशी रिसर्च करने पहुंच रहे हैं। शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता व नौकरी दी जा रही है। ये सब व्यवस्था हरियाणा में भी लागू की जाएगी।